नमस्कार दोस्तों दोस्तों कभी मौका लगे तो पढ़ना जरूर स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में हनुमान जी के भाई गतिमान का विस्तार से वर्णन किया गया है। अगर व्यापार व्यवसाय या गाड़ी या जो लोहे का काम करने वाले लोग हों, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हों, जिनकी गाड़ियों की एजेंसी चलती हो, उनकी गाड़ी से कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती हो, तो किसी भी चौदस को चाहे पूर्णिमा की हो चाहे अमावस्या की हो, मंदिर जाकर हनुमान जी के उल्टे पाँव यानी बाएँ पैर का सिंदूर लाकर गाड़ी पर या फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाए गतिमान भगवान का नाम लेकर, तो उस फैक्ट्री में कभी भी आग नहीं लगेगी, कभी फैक्ट्री का घाटा नहीं होगा, कभी भी फैक्ट्री या गाड़ी हो जिस पर भी गतिमान भगवान का नाम लेकर स्वास्तिक बना दिया जाए उसकी उन्नत ही उन्नत होगी, उसका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। केवल हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेकर करना है। यहाँ तक कि गतिमान का स्मरण किया गया है कि किसी भी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो, बात तलाक तक पहुँच गई हो, तो एक ध्वजा लेकर हनुमान जी के मंदिर में लगा दिया जाए और ध्वजा पर स्वास्तिक बना दिया जाए भगवान के बाएं पैर के सिंदूर से गतिमान का नाम लेकर, तो पति पत्नी में फिर से प्रेम जाएगा और तलाक नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर पति पत्नी मन से सोच कर बैठे हैं कि तलाक होना ही होना चाहिए तो ये उपाय मत करना। हाँ, अगर आप दोनों को रिश्ते फिर से सुधारने हैं, तलाक नहीं लेना है, तो आप ये उपाय बिल्कुल कर सकते हैं। एक बार करके तो देखिए करने में क्या जाता है।